जावास्क्रिप्ट के आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक जावास्क्रिप्ट का जो बेसिक इवेंट होता है, जैसे तुम्हारा ऑन क्लिक इवेंट, ऑन की इवेंट, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं क्लास। तो सबसे पहले देखो इवेंट क्या है और इवेंट ये इवेंट से क्या होता है समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकली मैं दिखा दूँ डायरेक्ट, जैसे समझ लो कि नॉर्मली होता क्या, जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम में एक बार फिर से यहाँ पर एक फंक्शन बना लो, जो हम लोग लास्ट टाइम फंक्शन बनाया था, तो फंक्शन का मैंने नाम दे दिया शो फंक्शन, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो फिलहाल में इसका, सॉरी इसका मैंने नाम दिया शुभ। एंड इसके अंदर मैं करता हूँ अलर्ट, चलो इसके मैंने अंदर मैंने अलर्ट वाला एक बॉक्स लगा दिया और जहाँ पे मैंने कि लिखा हेलो, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, इसको मैं सेव करते हुए जब फंक्शन पेज को रिलोड करूँगा। अच्छा यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया। एक बार मैं फंक्शन को कॉल करके दिखा दूँ, फंक्शन को मैंने ये कॉल कर दिया और एक बार सेव करते हुए मैं यहाँ पे रिलोड करूँ, तो यहाँ पे अलर्ट बॉक्स ये शो हो रहा है। तो ये तो उनको पता है, मैंने पहले भी सिखा दिया सब चीज़ें। तो एक्चुअली होता क्या है, देखो जब भी हम लोग कोई फंक्शन हो, फंक्शन क्या होता है मतलब कि पेज को रीलोड करते ही, पेज को रीलोड करते ही मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन तो मुझे शो, मतलब फंक्शन का कहीं ना कहीं मुझे यूज़ करना है। एक तो बात क्लियर है कि मुझे फंक्शन कहीं ना कहीं यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे केस क्या हो रहा है, फंक्शन जो है पेज को मैं लोड करते ही फंक्शन एग्जीक्यूट हो जा रहा है, मतलब फंक्शन में जो भी स्टेटमेंट है वो रन हो जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए, किसी पर्टिकुलर एक इवेंट इवेंट के दौरान ही मुझे ये फंक्शन को कॉल करना है, मतलब फंक्शन में जो भी स्टेटमेंट उसमें रन कराना है। अभी क्या हो रहा है, पेज को डायरेक्ट मैं रीलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे फंक्शन हो रहा है, मतलब फंक्शन कॉल हो रहा है, इसीलिए तो ये मैसेज हो रहा है अलर्ट मैसेज। तो इस तरह से नहीं, मतलब समझ लो कि ये पेज है, पेज के अंदर कोई पैराग्राफ है, कोई बटन है, कोई डिव है, कोई भी टैग हो, तो उन टैग में जाके अगर उस तरह से कोई एलिमेंट में अगर मैं जाके क्लिक करूँ, या तो डबल क्लिक करूँ, या तो राइट क्लिक करूँ, या तो की प्रेस कर दूँ, इस तरह से कुछ करने से ही मैं चाहता हूँ कि इस तरह का फंक्शंस कॉल हो, मतलब पेज रीलोड करते ही फंक्शन कॉल ना हो जाए, कुछ एक तरह से हल्का सा इवेंट करने के बाद ही मेरा फंक्शन कॉल हो। तो ये सब काम, तो ये कैसे किया जाए, तो इसी का यही आज का टॉपिक है कि किसी इवेंट के थ्रू फंक्शन को कैसे कॉल कराना है, ठीक है। या तो बेसिक इवेंट, इवेंट क्या होता है, इवेंट यही सब होता है। देखो इवेंट क्या होता है, इवेंट होता है तुम्हारा, जैसे मैंने पेज में जाकर के मैंने माउस से क्लिक किया, ये एक इवेंट हो गया, डबल क्लिक किया पेज में, पेज का बात बोल रहा हूँ, पेज में जाते हुए माउस से मैंने डबल क्लिक किया, माउस का पेज का किसी आइटम में मैंने क्लिक किया, सपोज पेज में बटन है तो बटन में मैं क्लिक किया, समझ लो मैं पेज में एक काम करता हूँ, पहले तो मैं पेज में एक बटन बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट के नीचे जाते हुए मैं एक पेज में क्या करता हूँ, एक मैं बटन क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं लिखता हूँ कि अपलोड, ऐसे मैंने लिखा यहाँ पे अपलोड। तो चलो ये जो है इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके देखो तुम, तो ये तो मैसेज आया। अच्छा ये फंक्शन को भी हम कॉल नहीं करेंगे, यही प्रॉब्लम है, क्या होता है कि फंक्शन तो मैंने बना दिया, अगर कॉल कर दूंगा तो स्क्रिप्ट के अंदर ही अगर कॉल कर दिया तो बार बार ये जब भी पेज को रीलोड करूँ ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, तो इसलिए ये हम लोग यहाँ पे फिलहाल इसको कॉल नहीं करेंगे, रीलोड करते हैं यहाँ पे। तो मैंने ये बटन बनाया अपलोड बटन, ठीक है, तो मैंने एक बटन बनाया, बटन क्या है अपलोड। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह सा पेज में कुछ कॉम्पोनेंट है और उन कुछ एलिमेंट है जो भी हो, तो उसमें क्लिक करते ही फंक्शन कॉल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्लिक करते ही ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, जस्ट वेट, हाँ क्या बोल रहा था, हाँ मैं चाहता हूँ कि इस तरह से कुछ इवेंट के बाद ही ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो इवेंट क्या है, जैसे मैंने क्लिक किया ये एक इवेंट हो गया, डबल क्लिक किया ये एक इवेंट हो गया, राइट क्लिक किया ये एक इवेंट है, ठीक है, इस तरह का अलग अलग इवेंट में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इसी बेसिक इवेंट्स, यही सब होता है इवेंट्स, और इसी का कैसे यूज़ करना है आज हम लोग, इवेंट के थ्रू कैसे फंक्शन को कॉल करना है उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं एक एक करके इवेंट डिस्कस करूँगा, इवेंट बहुत सारा है। तो सबसे पहले हो गया क्लिक इवेंट, ठीक है, सबसे पहले हो गया क्लिक, मतलब हमारा जो पेज है पेज का कोई भी अगर तुम कंपोनेंट एलिमेंट में अगर कोई भी जाके क्लिक कर दोगे, किसी भी एलिमेंट में जाकर के अगर तुम क्लिक कर दोगे, तो उसमें से मैं क्या चाहता हूँ कि क्लिक इवेंट के ऊपर मैं ये फंक्शन को कॉल कराना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है, बेसिक, यहाँ पे इतना कोई बड़ा हैवी कोडिंग नहीं करना है तुमको, जैसे सिंपल है मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने तो मैंने यहाँ पे बटन बना लिया, ठीक है, ये बटन है, अभी तो बटन क्लिक में कुछ नहीं हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि बटन क्लिक में ये मैसेज शो हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो स्टार्ट टैग है इसका, यहाँ पे जाते हुए मैं लिखूँगा ऑन क्लिक, यहाँ पे क्या लिखूँगा ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे जो भी मुझे फंक्शन कॉल कराना है उस फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम क्या है शो, ठीक है, बस फंक्शन का नेम दे दो, मतलब बटन में क्लिक करते ही शो फंक्शन कॉल हो जाए, ये हो गया ऑन क्लिक इवेंट। इसको सेव करते हैं हम लोग, चलो एक बार, और एक बार यहाँ पे मैं इसको रीलोड करके दिखाता हूँ, एक बार फिर से मैं रीलोड करता हूँ। देखो अभी मैं जब बटन में क्लिक करूँगा तो जस्ट वेट, हाँ एक सेकंड,
तो हाँ ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। क्या बोल रहा था मैं, अच्छा इसमें क्लिक करते ही ये, अच्छा यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, एक सेकंड। ओहो सॉरी, मैंने यहाँ पे ये फंक्शन के मैंने ये सिंबल नहीं दिया, ठीक है। हाँ चलो इसको भी सेव करते हैं। और अभी फिर से देखो, अभी मैं फिर से एक बार पेज को रीलोड करूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ, देखो ये आ रहा है। क्लिक करते ही ये तुम्हारा क्या हो रहा है, अलर्ट बैग शो हो रहा है, मतलब हम लोगों ने यहाँ पे एक इवेंट लगाया है, ऑन क्लिक इवेंट बटन में जब भी क्लिक हो, ये तुम फंक्शन में जो भी तुम कोड करोगे वही यहाँ पे शो होगा। मैंने यहाँ पे अलर्ट दिया इसलिए अलर्ट शो हो रहा है, तुम अगर कोई दूसरा काम कराना चाहते हो तो वो करा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। समझ लो कि फॉर एग्जांपल के लिए अच्छा वो बाद में आएंगे क्या करा सकते हैं, पहले तो हम लोग अलग अलग तरह का इवेंट को समझ लेते हैं। अलग अलग तरह का इवेंट होता है, तो पहले तो हो गया क्लिक इवेंट, मतलब किसी भी अगर पेज में किसी भी कंपनी में अगर क्लिक करोगे तो ये तुम्हारा इस तरह से मैसेज, ये फंक्शन कॉल होगा और फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलो ये होगा क्लिक इवेंट, उस तरह से होता है। ये तो हो गया सिंगल क्लिक, उस तरह से होता है डबल क्लिक, ये तो सिंगल क्लिक है ना, उस तरह से डबल क्लिक। अच्छा डबल क्लिक के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑन डीबीएल क्लिक, ऑन डीबीएल मतलब डबल क्लिक। इसको मैं एक बार सेव करता हूँ। अच्छा यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो डबल क्लिक पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तुमको समझ में नहीं आएगा, बटन में सिंगल क्लिक में भी आ रहा है, डबल क्लिक में भी आ रहा है, ठीक है। इसीलिए बटन में अगर मैं सिंगल क्लिक करूँ तो अभी आ रहा है, और डबल क्लिक करने की भी मतलब यहाँ पे डबल क्लिक का कोई अभी मतलब नहीं रहता है। इसीलिए मैं एक काम करता हूँ, ये जो डबल क्लिक वाला है इसको मैं बटन में नहीं कोई दूसरा में HTML एलिमेंट में अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे इसको फिलहाल क्लिक ही नहीं रहने दो, ये जो है ये इसको बटन में तुम ऑन क्लिक ही लगा देना, क्योंकि बटन में डबल क्लिक मतलब कोई मीनिंगलेस होता है वो। इसीलिए मैं एक दूसरा एलिमेंट लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने ले लिया पैराग्राफ। अच्छा और एक बात है, तुम ये जो इवेंट से ये तुम किसी भी एलिमेंट पे लगा सकते हो HTML का, या एक तुम्हारा डिव एलिमेंट हो गया, पैराग्राफ एलिमेंट हो गया, कुछ भी हो, हेडर एलिमेंट हो गया, सब में तुम लगा सकते हो। बटन में तो मैंने लगा के दिखा दिया, चलो मैं अभी पैराग्राफ में लगा के दिखाता हूँ तुमको। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि क्लिक हियर टू सी, कुछ भी लिख दो, मैंने तो सीधा रिजल्ट इसे ही मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। क्लिक किया तो सीधा रिजल्ट, और ये मैं सिंपली से मेरे पैराग्राफ मैंने बनाया है यहाँ पे। चलो अच्छा इसको मैं सेव करता हूँ। अच्छा यहाँ पे ये पैराग्राफ अभी आएगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। और यहाँ से मैं ये जो है देखो, अभी मैं यहाँ पे अगर मैं देखो अभी यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, पैराग्राफ पे मैंने अभी इवेंट लगाया नहीं, तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो कुछ होगा क्या, नहीं होगा। क्लिक करूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे लेकिन तुम देख रहे हो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, जैसे बटन में ही लगाना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तुम इसको पैराग्राफ में लगा सकते हो। मैंने बटन को उठा, बटन से इसको उठा के यहाँ पे लगा दिया, चलो ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। सेव करता हूँ मैं इसको, चलो तो पेज को रीलोड करेंगे। इस बार यहाँ पे देखो आप बटन पे, ये मैंने क्योंकि बटन में मैंने इवेंट लगाया नहीं तो इसलिए यहाँ पे कोई मैसेज शो नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे आके क्लिक कर दूँ तो देखो ये मैसेज आ रहा है। मैं कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे ये पैराग्राफ पे जाके मैंने ये क्लिक कर दिया, क्योंकि मैंने ऑन क्लिक लगाया ये, इसलिए ये मैसेज आ रहा है। तो ये हो गया ऑन क्लिक, और मैं बोल रहा था डबल क्लिक, सो ऑन डीबीएल क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन डीबीएल क्लिक। तो यहाँ पे पेज को रीलोड करते हैं, देखो सिंगल क्लिक करता हूँ तो नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पे पैराग्राफ में आके मैं सिंगल क्लिक कर रहा हूँ तो मैसेज नहीं है, तो ये शो नहीं हो रहा है। जब मैं डबल क्लिक करूँगा तब आ रहा है, देखो समझ में आ रहा है ना। मैं डबल क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे फिर से एक बार डबल क्लिक, ये देखो डबल क्लिक करते ही ये आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, एक हो गया क्लिक इवेंट और एक हो गया डबल क्लिक इवेंट, तुम किसी भी एलिमेंट में इसको लगा सकते हो। उसके बाद और क्या है, और राइट क्लिक वाला इवेंट। अच्छा राइट क्लिक वाला इवेंट कैसे होगा, मतलब यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करूँगा तभी होगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो वो होता है ऑन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोगों को। क्या मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे, इसका नाम हो गया तुम्हारा ऑन ऑन क्या था, हाँ ऑन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। मुझे लिखना है यहाँ पे ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ऑन CONTEXT ऑन यहाँ पे आ रही है ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ठीक है। और ये तो मैं इसको यहाँ से SH, हाँ ऑन कॉन्टेक्स्ट मेनू, सेव करते हैं इसको, पेज को रीलोड करते हैं और देखते हैं यहाँ पे आके। तो मतलब यहाँ पे तो अभी ना तो सिंगल क्लिक पे होगा ना तो डबल क्लिक पे होगा, लेकिन क्या होगा राइट क्लिक पे। देखो मैंने राइट क्लिक करते ही यहाँ पे ये आ जा रहा है, ऑन कॉन्टेक्स्ट मैंने लगा दिया, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ उसके बाद ही ये आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑन कॉन्टेक्स्ट मेनू पे लगाया है। देखो राइट क्लिक करता हूँ, पहले तो वो अलर्ट मैसेज शो हो रहा है, ओके करूँगा तभी ये आ रहा है, ठीक है। ये हो गया ऑन, तो तीन हो गया, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक एंड ऑन राइट क्लिक। नेक्स्ट उसके बाद होता है तुम्हारा ये तो हो गया क्लिक के ऊपर। उसके बाद जैसे माउस जो होता है, माउस का जो लेफ़्ट बटन है या तो राइट बटन है उसमें हम लोग प्रेस करते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो माउस बटन को प्रेस करने का एक इवेंट होता है, माउस बटन एंटर इवेंट, ऑन माउस बटन,
आउट इवेंट, ऑन माउस बटन प्रेस इवेंट, ऑन माउस बटन तुम्हारा अप माउस अप इवेंट, इस तरह से। तो मैं एक एक करके दिखाता हूँ। चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं ऑन माउस, मैं लिखूँगा ऑन माउस एंटर। तो ऑन माउस एंटर में ये मैंने ऑन माउस एंटर लगा दिया। तो इससे क्या होगा, इस बार क्लिक से कोई मतलब नहीं है, इस बार माउस का जो पॉइंटर है, ये जो माउस का जो पॉइंटर है, इस बार क्लिक से कोई मतलब नहीं है। माउस का पॉइंटर को यहाँ पे लाते ही तुम्हारा हो जाएगा शो, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे माउस लाकर, सॉरी मैंने शायद इसको रिलोड नहीं किया, इसीलिए ये मैंने रिलोड कर रहा हूँ अभी। देखो ये देखो हो रहा है, देखो ना माउस का पॉइंटर में इधर सामने से आते ही ये हो रहा है। देखो माउस का पॉइंटर यहाँ पे मैं लेके आता हूँ, ये हो गया। देखा माउस का पॉइंटर सामने लेके आता हूँ, हो गया। मतलब माउस यहाँ पे पैराग्राफ पे एंटर करते ही ये आ जा रहा है, ये देखो, क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया माउस एंटर। उसके बाद होता है माउस ऑन माउस आउट, ऑन माउस आउट, ठीक है। इसको मैं यहाँ से ये करता हूँ डिलीट, ज़्यादा होगा। चलो इसको फिर से सेव करते हैं और यहाँ से इसको हम लोग रिलोड करते हैं। और इस बार क्या है, माउस आउट, इस मतलब एंटर में नहीं, तो माउस को मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। देखो एंटर करने से नहीं हो रहा है, माउस को एंटर करने से, लेकिन जब माउस एंटर करने के बाद मैं बाहर जाऊँगा तभी आ जाएगा। देखो ये माउस आउट, समझ में आ रहा है बात, फिर से दिखाता हूँ मैं। माउस को एंटर करने के समय नहीं आ रहा है, जब माउस बाहर जा रहा है यहाँ से तभी ये आ रहा है। तो ये हो गया ऑन माउस आउट। सो उसी तरह होता है तुम्हारा ऑन माउस डाउन और ये ऑन क्लिक इवेंट ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। ऑन माउस डाउन या तो ऑन क्लिक क्या है, ऑलमोस्ट सेम ही है। इसको सेव करता हूँ यहाँ, सॉरी मैं यहाँ पे इसको सेव करते हैं, हम लोग इसको यहाँ पे सेव करते हैं और यहाँ पे आके इसको रिलोड करते हैं। तो माउस डाउन, तो माउस एंटर भी नहीं आउट भी नहीं, माउस डाउन मतलब माउस को प्रेस करना, वही बात है। तो ये माउस डाउन, मैंने क्लिक किया तो आ गया, तो ये हो गया। तो ये ऑन क्लिक और माउस डाउन ऑलमोस्ट सेम ही काम कर रहा है। चलो उसके बाद हो गया ऑन माउस अप, ऑन माउस अप, ठीक है। तो समझ में आ रहा है तुमको ऑन माउस अप से क्या होगा, ये ऑन माउस अप। मैं पेज को रिलोड करता हूँ, इस बार क्या होगा, देखो माउस में लेकर के यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया, मतलब माउस डाउन किया, मतलब क्लिक करने का मतलब क्या है, माउस डाउन। तो मैंने क्लिक किया, देखो मैंने ऑलरेडी क्लिक किया, तुम लोग को दिखाई नहीं देगा वहाँ से, लेकिन मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया। और जब मैं अभी मेरा दबा हुआ है, अभी मेरा जो बटन है वो माउस का जो बटन है वो प्रेस्ड है, लेकिन भाई मैं छोड़ दूंगा, मैं रिलीज़ कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, बटन ऊपर में आएगा कि नहीं, माउस अप होगा। तो छोड़ता हूँ, तो छोड़ते ही देखो मैसेज आ रहा है, या हेलो आ गया, ठीक है। तो ये हो गया ऑन माउस अप। तो दो ऑप्शन है, ऑन माउस डाउन एंड ऑन माउस अप। माउस डाउन ऑलमोस्ट तुम्हारा ऑन क्लिक का तरह से ही काम करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इवेंट डिस्कस कर लिए, जैसे ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन कॉन्टेक्स्ट मेनू, ऑन माउस एंटर, ऑन माउस आउट, ऑन माउस डाउन, ऑन माउस अप, उस तरह से ऑन माउस यहाँ पे होवर भी, आई थिंक हाँ ऑन माउस व्हील भी है, ऑन माउस व्हील, ठीक है, ये भी एक है। तो ये अलग अलग यहाँ पे इस तरह से इवेंट्स, ये सब तुम लोग, ये माउस व्हील है, ठीक है। तो ये अलग अलग इवेंट, इसको मैं रिलोड करूँ, तो जब मैं यहाँ से यहाँ, मतलब क्या है कि माउस व्हील का मतलब क्या है, जब यहाँ मैं इसको एक बार सेव करके फिर से दिखा दूँ, माउस व्हील, जब मैं यहाँ पे माउस का जो व्हील है, एंटर अप डाउन क्लिक कुछ भी नहीं, जब यहाँ पे पैराग्राफ में आकर के, जब पैराग्राफ में पहुँचने के बाद जब मैं माउस का जो व्हील है उसको अगर घुमा दूँ तो ये मैसेज आ जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे माउस व्हील को घुमा रहा हूँ तो इसलिए मैसेज आ रहा है, तो माउस व्हील। तो ये एक हो गया तुम्हारा इवेंट, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा इस तरह से इवेंट्स है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ऑन माउस ओवर, ठीक है। तो ये अलग अलग इवेंट्स हैं यहाँ पे, इस तरह से तुम ये सब इवेंट ट्राई कर सकते हो तुम लोग। माउस ओवर, ये मैं इसको सेव करता हूँ, रिलोज करता हूँ। तो ये माउस ओवर मतलब ये ऑलमोस्ट सेम ही है जैसे तुम्हारा क्या था माउस एंटर, ये माउस ओवर, ये माउस एंटर दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ये क्या है माउस ओवर, मैं फिर से दिखाता हूँ, मतलब ये माउस यहाँ पे ऊपर लेके आता हूँ तो ये मैसेज आ रहा है। तो माउस ओवर, माउस एंटर दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ध्यान रखना ये दोनों सेम है। चलो ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से माउस से जुड़ा हुआ ये सब इवेंट्स है। तो हम लोगों ने ये सब ये माउस लीव है तुम्हारा, ये भी सेम ही है, माउस आउट का और माउस लीव का एक ही बात है, ठीक है। चलो यहाँ पे सब कुछ मैंने कर दिया तुमको। अभी उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोगों ने माउस से जुड़ा हुआ तो हो चुका है, क्लिक से जुड़ा हुआ हो गया। उसके बाद अभी हम लोग चलते हैं कीबोर्ड का, की प्रेस करने से भी इवेंट हैंडलिंग होता है, मतलब कीबोर्ड का कोई भी अगर की प्रेस कर दो, लेकिन कीबोर्ड का की मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, समझ लो मैंने यहाँ पे लगा दिया ऑन की प्रेस, ऑन KUI, ऑन की प्रेस, ठीक है। मतलब
अगर कीबोर्ड में कोई भी एक की प्रेस हो जाए तो ही यहाँ पे क्या हो, इवेंट हैंड, मतलब यहाँ पे ये शो हो। मैं एक बार इसको रिलोड करता हूँ, एक बार रिलोड करता हूँ। अभी देखो मैं यहाँ पे की प्रेस कर रहा हूँ, अच्छा नहीं हो रहा है की। अच्छा एक बात है, मैं यहाँ पे की जो की प्रेस वाला जो इवेंट है ना, तुम लोग ध्यान रखना, की प्रेस वाला इवेंट यहाँ पे ये तुम्हारा बॉडी के अंदर जो एलिमेंट होता है जैसे, इसमें काम नहीं करता, इसको डायरेक्ट मुझे बॉडी में अप्लाई करना पड़ता है। ध्यान रखना की प्रेस, की डाउन, की आप, ये सब जो भी है इसको हमको कहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, बॉडी में या तो फॉर्म में। तो चलो मैं यहाँ पे बॉडी में अप्लाई करता हूँ। ध्यान रखना की प्रेस वाला इवेंट को हम लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे, बॉडी में। तो बॉडी में मैंने क्या कर दिया, ये अप्लाई कर दिया ऑन की प्रेस। सो इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पे आके एक बार रीलोड करता हूँ। चलो इस बार मैं अगर यहाँ पे आकर कोई भी की प्रेस कर दूँ, जैसे मैं अभी यहाँ पे ऑलरेडी की प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे, तो देखो ये मैसेज आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जैसे मैं यहाँ पे इसको दिखाता हूँ फिर से एक बार, मैं देखो माउस को मैंने रिलीज़ कर दिया और मैं कीबोर्ड से जैसे मैं कोई की प्रेस कर रहा हूँ, कोई भी की प्रेस को, तो आ गया ये देखो। तो ये दिस इज़ ऑन की प्रेस, तो ये होता है तुम्हारा ऑन की प्रेस इवेंट। उस तरह से तुम्हारा की आप होता है, जैसे की प्रेस हो गया, की आप हो गया, मतलब की प्रेस करने के बाद छोड़ दो तब होता है ये की आप, ऑन की आप, मतलब की प्रेस कर दो उसके बाद उसको छोड़ दो। फिर मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, रिलोड करता हूँ। देखो मैं यहाँ पे आते हुए की को प्रेस कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, लेकिन छोड़ देता हूँ तभी आ रहा है। की प्रेस कर दिया, नहीं हो रहा है, लेकिन की छोड़ने के बाद फिर ये मैसेज आ रहा है। तो ये इन तरह से, इस तरह से की से जुड़ा हुआ कुछ, की से जुड़ा हुआ, की डाउन एक ही बात है, वो प्रेस करना डाउन करना एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरह से कीबोर्ड से जुड़ा हुआ जो भी मैसेज इवेंट्स है उसको तुम बॉडी के अंदर, बॉडी टैग के अंदर लगा देना, तो वो यहाँ पे काम कर जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अलग अलग इवेंट को समझा, और कुछ दो तीन इवेंट्स हैं उसको बारे में तुमको बोल दूँ। जैसे तुम्हारा लोड इवेंट विंडो से जुड़ा हुआ इवेंट है, विंडो मतलब ब्राउज़र का पूरा जो मेन विंडो है, जैसे लोड इवेंट, अनलोड इवेंट, रिसाइज इवेंट, मैं एक दो करके दिखाता हूँ। और ये सब भी तुम्हारा बॉडी में ही अप्लाई करना पड़ेगा, जो रिसाइज वाला है या तो जो तुम्हारा क्या बोलते हैं स्क्रोल वाला है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा दूँ ऑन ऑन रीसाइज, ठीक है, ऑन रीसाइज ये है, सॉरी कहाँ गया भाई, ये ऑन रीसाइज, ये हो गया ऑन रीसाइज, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ऑन रीसाइज, इसका मतलब इसको मैं सेव करता हूँ और होगा क्या, ये जो विंडो है इसको मैं एक बार रिलोड करूँ, इसको एक बार मैं रिलोड करूँ, क्या है ऑन रिसाइज, मतलब जब विंडो को रिसाइज करेंगे तभी ये मैसेज शो आ जाएगा। अभी मेरा ये विंडो है, इसको देखो मैं थोड़ा हल्का सा इसका साइज़ को मैं चेंज करता हूँ, देखो चेंज करते ही मैसेज आ गई, देखो समझ में आ रहा है ना। फिर से दिखा दूँ मैं एक बार, मैं यहाँ से हल्का सा इसको चेंज करूँ, चेंज करते ही ये मैसेज आ रहा है। तो ये हो गया ऑन रिसाइज, ठीक है। तो उस तरह से होता है ऑन रिसाइज, और ऑन तुम्हारा हो गया क्या कर सकते हो, ऑन ऑन स्क्रोल, ठीक है, स्क्रोल एक भी है स्क्रोल। तो मतलब जब तुम विंडो को विंडो में जाकर के स्क्रोलिंग का काम करोगे तभी मैसेज शो होगा। फिलहाल मेरा यहाँ पे स्क्रोल करने के लिए इतना सारा मेरे पास आइटम नहीं है, ठीक है। तो जब तुम्हारा यहाँ पे मतलब पेज में कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा तब ऑटोमेटिकली तुम्हारा स्क्रोल बार ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, और स्क्रोल बार में जब तुम स्क्रोल करोगे तभी यहाँ पे क्या होगा, वो मैसेज शो होगा। तो ये कंटेंट डालना पड़ेगा, फिलहाल मैं वो नहीं कर रहा हूँ, तुम समझ सकते हो कि यहाँ पे इस तरह से कंटेंट डालते हुए तुम ऑन स्क्रोल वाला इवेंट को भी यहाँ पे चला सकते हो। तो ये सब हो गया इवेंट, जस्ट विट, ये हो गया तुम्हारा इवेंट से जुड़ा हुआ बातें बेचा मैं। अच्छा और एक चीज़, जैसे तुमको इवेंट के मदद से सिर्फ मैसेज ही, अलर्ट मैसेज ही शो करवाना, ऐसा कोई बात नहीं है। इवेंट की मदद से तुम दूसरा टास्क भी करा सकते हो, इसे जरूरी नहीं कि इसे अलर्ट मैसेज शो करा। तुम फंक्शन के अंदर जो भी लिखोगे वही यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। समझ लो अभी मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये जो बटन है, समझ लो मैंने बटन के ऊपर ऑन क्लिक इवेंट लगा दिया। मैंने क्या लगा दिया बटन के ऊपर, मैंने लगा दिया ऑन क्लिक इवेंट, जिसका मैंने नाम दिया शो, ठीक है, ऑन क्लिक इवेंट, और इसका नाम क्या है शो। तो मैं चाहता हूँ कि जब बटन में क्लिक हो, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका कैलकुलेट, CALCULAT, मैं चाहता हूँ कि जब बटन में क्लिक हो तो कुछ रिजल्ट शो हो जाना चाहिए कैलकुलेट, ठीक है। तो क्या रिजल्ट मैं चाहता हूँ कि पहले तो यूज़र से कुछ वैल्यू मांगा जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो, थोड़ा मैं इसको थोड़ा दो तीन लाइन में करता हूँ, देखते जाना, तुम लोग पता होगा पहले भी किया था हम लोगों ने इसको। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको पार्स इंट करता हूँ, जब यूज़र से कुछ वैल्यू लेंगे तो वो तो स्ट्रिंग में होगा, तो हम लोग उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, प्रॉम्प्ट वाला अलर्ट बॉक्स लगा देंगे, प्रॉम्प्ट वाला मैसेज बॉक्स लगा देंगे, उसमें टाइप करेंगे कि जैसे क्या टाइप करूँ मैं, जैसे एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर,
उसके बाद तो पहला वेरिएबल में ये पहला नंबर आ जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पे इसी को कॉपी करूँगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे सेकेंड वेरिएबल ले लिया, इसको मैंने बी कर दिया, और यहाँ पे मैंने लिखा है एंटर द सेकेंड नंबर, एंटर द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर, ठीक है। तो ये दोनों वेरिएबल में दो वैल्यू आएगा जो कि इधर से लिया जाएगा, और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, और एक वेरिएबल लेंगे सी नाम से, और यहाँ पे क्या करेंगे, ए को बी के साथ ऐड करते हुए यहाँ पे स्टोर कर देंगे, और फाइनली इसको हम लोग शो करा देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हुए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हुए ये जो सी है इसको हम लोग यहाँ पे शो करा देंगे, ठीक है। ये सिंपल सा एक टास्क है यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, मतलब मैं चाहता हूँ कि जब भी बटन में यहाँ पे क्लिक हो तो ये काम हो जाए, तो ये भी एक तरीका है। देखो इवन है, इवन इस तरह का भी तुम काम करा सकते हो इवन हैंडलिंग कराते हुए। तो मैं इसको एक बार रिलोड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आ रहा है कैलकुलेट, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करते ही मैसेज आ जाएगा एंटर द फर्स्ट नंबर 12, ओके, सेकंड नंबर 23, ओके, और रिजल्ट आ गया यहाँ पे इस तरह से। तो ये भी मैं इस तरह से भी तुम करा सकते हो, जरूरी नहीं कि हर बार अलर्ट मैसेज शो करवाना है। तो ये हो गया इवेंट, तो बेसिक इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। तो इतना सा ही टॉपिक था इवेंट के ऊपर, तो तुम लोग इसको खुद एक बार करके देख लेना। तो आज का टॉपिक इतना ही सा, एंड आज मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि और भी क्लास करना है मुझे थोड़ा बहुत, तो थोड़ा समय कम मिल रहा है मुझे, एंड ये सब के ऊपर प्रैक्टिस करो। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एरे के ऊपर, तो एरे में दो तीन क्लास लगेगा हम लोग का, थोड़ा लंबा होगा उसका टॉपिक। तो चलो आज मैं यहीं पर तुम लोग को रिलीज़ करता हूँ, ठीक है, ओके, चलो।